देते हुए अगर होगा तो देखिए हाँ देते हुए भेज आपके रिजन में कुछ नहीं लगा है लेकिन काम के लिए वहाँ का प्रतिशत हरियाणा की भी जमीन है चौबीस पंद्रह किया जा रहा है बहुत तेजी से जब गांव सभा का जो चकबंदी दरअसल जनपद चंदौली के धानापुर ब्लॉक की चकबंदी सन 1973 से चल रही है और जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं जो चकबंदी 1973 से चली और सन 2018 आ गया और धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ ये कितना बड़ा गोलमाल है। और अब जब चकबंदी प्रक्रियाग्रत हुई है तो इसमें सरकारी जमीनों का सड़कों का नालों का और जो सिंचाई की नालियां हैं कब्रिस्तान शमशान ऐसी जगहों का भी मालियत लगाने का काम हो रहा है तो हम इसीलिए डीएम साहब से मिलने आए थे कि कृपया इसको खुली बैठक करा करके सार्वजनिक रूप में गांव के सामने जो भी सरकारी जमीनें हैं इनको सुरक्षित रखते हुए बाकी चकबंदी का कार्य पूरा किया जाए इसमें कोई भी गलत अगर त्रुटि हुआ है तो उसको दूर कर दिया जाए। किसकी मिली भगत लग रही है आपको ऐसा कैसे हो सकता है कोई कब्रिस्तान और शमशान की जमीन लेगा? जी जाहिर सी बात है मिली भगत अगर चकबंदी के कर्मचारी और चकबंदी के अधिकारी न चाहें तो कोई चाहकर भी जमीन को नहीं ले सकता है। इससे साफ जाहिर है कि चकबंदी के कर्मचारी और अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और गांव के ही कुछ अवांछनीय लोग भूमाफिया लोग इसमें शामिल हैं जो लोग गांव की सार्वजनिक जमीनों को अपने नाम कराना चाहते हैं। क्या कार्रवाई करेंगे? धानापुर में बेसिकली चकबंदी चल रही है और वहां पर इस प्रकार की शिकायत हमें प्राप्त हुई है अन्य माध्यमों से भी पता लगा है तो इस संबंध में एक जांच कमेटी एसडीएम सकलडीहा और एसओसी साहब के संयुक्त रूप से गठित की गई है और संभवतः एक दो दिन में उनकी जांच रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। जांच रिपोर्ट में जो भी निकल के आता है कोई यदि किसी अधिकारी के द्वारा अनुचित रूप से कार्रवाई की गई है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।